पंजाब की जेलों के कैदियों के लिए हेपेटाइटिस की अद्वियात और सिलाई मशीनों की फराहमी की तकरीब। फार्मास्यूटिकल कंपनियों के तआवुन से 15,000 कैदियों के लिए अद्वियात और 100 सिलाई मशीनें जेल हुकाम के हवाले की गयी। इस मौके पर गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि तहरीक इंसाफ सियासी इंतकाम पर यकीन नहीं रखती, किसी के खिलाफ एक केस भी नहीं बनाया। 3 महीने से हुकूमत में है, एक केस बता दें कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में किसी अपोजिशन लीडर के खिलाफ दर्ज हुआ हो, तो आप कैसे कह सकते हैं कि हम पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन कर रहे हैं। गवर्नर पंजाब ने मजीद कहा कि जब इदारे मजबूत होंगे तो किसी पर इंतकामी कार्रवाई का इल्जाम नहीं लगेगा। हम अदारों को बाख्तियार देखना चाहते हैं और हमारी ख्वाहिश है कि हम अदारों को गैर सियासी बनाना चाहते हैं, इसलिए अगर इस मुल्क में अदारे मजबूत होंगे, अदारे बाख्तियार होंगे, तो फिर किसी किस्म की किसी पर पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का ताना नहीं दिया जा सका। आईजी जेल खाना जात शाहिद सलीम बेग ने कहा कि जेल में साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ अपनी बैरिक तक महदूद हैं, वो अपने कमरे की देखभाल के पाबंद हैं। अपनी बैरिक से बाहर नहीं निकाला जा सकता, इसलिए उनकी जो भी कानून के तहत मशक्कत रखी गई है वो विदन बैरिक ही रखी गई है, आगे बाहर जस्ट अपने कमरे को मेंटेन करना इस हद तक। गवर्नर पंजाब ने ऐलान किया कि पंजाब के बाद मुल्क भर में कैदियों को हेपेटाइटिस की अद्वियात मुफ्त फराहम करेंगे, जबकि अगले मरहले में पुलिस अहलकारों को भी अद्वियात फराहम की जाएंगी। कैमरामैन उस्मान शब्बीर के साथ सलमान तारिक, लाहौर न्यूज़।